तो देखो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। अगर इसमें क्या कह रहे हैं कि एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें जनरली बच्चे इसको डाउट में लेके आते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन अक्रॉस ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मतलब अगर ये अपनी एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई ट्यूब है, दिस इज द ट्यूब अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई ट्यूब है, दिस इज द ट्यूब अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और इसमें परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एन वन एन टू नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, तो एन वन बराबर है एन टू, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है डिवाइडेड बाई यहाँ से वॉल्यूम है, तो पर यूनिट वॉल्यूम ये है, तो इसका मतलब वन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल प्योर नंबर है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला एम नॉट एन नॉट होगा, मतलब वन, और वॉल्यूम का एल की पावर क्यू, तो एल की पावर माइनस क्यू, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एन वन एंड एन टू पर यूनिट वॉल्यूम, एंड एक्स वन एंड एक्स टू, यहाँ पे एक्स वन एंड एक्स टू डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा भाई, एल आएगा, और एन, इस एन का नंबर ऑफ पार्टिकल एन क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर इन यूनिट टाइम, जो स्मॉल एन है वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ध्यान से पढ़ना, यूनिट एरिया यूनिट टाइम, मतलब यह आ जाएगा वन, और एरिया का एल स्क्वायर, टाइम का टी, इसका आ जाएगा एल की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस वन, ठीक है, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्मॉल एन, तो ये कहता है कि कैपिटल डी का डायमेंशनल फार्मूला निकालो, तो अगर मैं कैपिटल डी का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से कैलकुलेट करूँ, तो इस इक्वेशन को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ, डी को मैं लिख सकता हूँ एन टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एन टू माइनस एन वन, और यहाँ माइनस साइन लगा दूँ, डायमेंशन के हिसाब से ये दोनों डायमेंशनली बराबर है, तो मैं इनको लिख सकता हूँ एन एक्स वन और एन टू या एन वन या एन एक्स टू या एन वन, जैसे मन करे वैसे लिख दो। तो यहाँ से तुम देखोगे तो जब यहाँ से डी पुटअप करोगे सभी का डायमेंशनल फार्मूला, तो स्मॉल एन किसके बराबर है, तो स्मॉल एन का डायमेंशनल फार्मूला देखो हम लोग निकाले हैं ऊपर, तो एल की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस वन, और एक्स टू, एक्स टू लेंथ है एल है, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला एल है, और एन वन यहाँ से एल की पावर माइनस क्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ, तुम अगर यहाँ से देखोगे ऊपर तो ये जो ऊपर जाएगा तो ये बचेगा, हाँ ये ऊपर जाएगा तो ये बचेगा एल का स्क्वायर, क्योंकि एक एल इधर से एक है, और टी की पावर माइनस टू, तो एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस, एल स्क्वायर टी की पावर, मतलब डी ऑप्शन अपना सही बन जाता है इसमें। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।